नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस क्लास में, जहां पे मैं रोज शाम को 6 बजे आपके लिए लेकर आ रहा हूं बीपीएससी का ये मॉक टेस्ट, जहां पे रोज अभी फिलहाल आपको 70 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 70 क्वेश्चन, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी में और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जा सके। जी हाँ, और आपको बताना चाहेंगे कि 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अगर आप हमारे साथ करेंट अफेयर का सिनेरियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सुबह के 4 बजे भी ज्वाइन करें। जी हाँ, अनअकैडमी बीपीएससी पे, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको ये सारे वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इन सब का पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सभी प्रश्नों के लिए, और जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के। दोस्तों, मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप 65th मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे 65th मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे कुछ अच्छे एजुकेटर के साथ मिलकर इसकी तैयारी करनी है, जो कि आपकी तैयारी के लिए ये जो चीजें हैं वो पेड कोर्सेज के रूप में भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े के स्याही के जंग में धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े में स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 2 से 3 सेकंड का समय रहेगा। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स ए ऑक्सैलिक अम्ल, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे कार्बन तो होगा, ये तो श्योर है, लेकिन साथ में आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे दिया, हाइड्रोकार्बन नोट कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय है गैस है जो कि अवरोधित श्वसन के पीड़ित रोगियों को दी जाती है। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो कि अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जा सकती है। बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स ए यानी कि हीलियम इज द राइट आंसर। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन मिश्रित करके ये दी जाती है हीलियम गैस। जी हाँ, जो भी लोग वेंटिलेटर वगैरह पे होते हैं उन्हें, जिन्हें सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः क्यों मरते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः क्यों मरते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, क्योंकि सिरोसिस होता है सबसे ज्यादा उनके शरीर में ज्यादा, जिसके चलते वो उनकी मृत्यु हो सकती है। और नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये जो खासकर ऐसे लोग जल्दी यहाँ पे मर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग अल्कोहल, बियर और वाइन, ये तीनों को मिक्स करके बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, वैसे लोग की मृत्यु जल्दी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, चारण आहार श्रृंखला आधार में जीव होते हैं, कौन से जीव होते हैं वो। बिल्कुल चारण श्रृंखला में पाई जाती है दोस्तों, नोट कर सकते हैं, जैसे कि घास और इसके चरने वाले तथा मांसाहारी जीव जो कि आते हैं, तथा परजीवी में, परजीवी आहार श्रृंखला में आते हैं कैसे जीव, तो याद रखिएगा आहार श्रृंखला में आते हैं दोस्तों पौधे से आरंभ होकर छोटे जीवों पर जो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चारण की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा ये अपघटक होते हैं, अपघटक यानी कि घास और इसको चरने वाले जो जीव को खाते हैं, ठीक है, जैसे शेर हो गए, ठीक है, तो चरने वाले जीवों को यानी कि बकरियों को ये खा सकते हैं, तो ऐसे जीव आते हैं यहाँ पे चारण आहार श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ डी, ढोल है वो, नोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि जंतुओं के विलोपन कगार पर आ चुके हैं ये, जी हाँ नोट कर सकते हैं, और ये
जो जीव होते हैं दोस्तों, ये श्रृंखला आहारित जीव होते हैं, ठीक है। ढोल, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस एमएस डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर सोच समझ के दीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, इसलिए आंसर गलत नहीं करना है। एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप बताइए कि सब डायरेक्टरी बनाने के लिए एमएस डॉस का कौन सा कमांड हम यूज करते हैं। बिल्कुल, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों MKDIR। जी हाँ, MKDIR। जी हाँ, MK फॉर मेक, DIR फॉर डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। ये कमांड है जो कि इसका हम लोग उपयोग करते हैं कंप्यूटर में, और एमएस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जी हाँ, जो कि ब्लैक स्क्रीन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों, ऐसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। चलिए आंसर करेंगे, एसी परिपथों में यानी कि जो एसी का पथ होता है ना, उसमें एसी मीटर क्या मापते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, ये आरएमएस का मान मापते हैं, नोट कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके बीपीएससी में, जी हाँ एग्जाम प्रीलिम्स से पूछा गया यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, जब किसी दर्पण के लिए कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होता है तब परिवर्तन होता है, किसमें होता है दोस्तों। जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तो परिवर्तन होता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ बी, जी हाँ उनके आयाम में, किसमें तो उनके आयाम में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.8 वाले तत्व को क्या कहाँ पाएंगे। जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे, जी हाँ कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं 2.8 तत्व वाले, जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ सी ग्रुप, 18 में हमें प्राप्त होता है। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि आवर्त सारणी में है ना, आवर्त सारणी में एक पी ब्लॉक होता है और एक एस ब्लॉक होता है और एक डी ब्लॉक भी होता है, ठीक है। तो हमें आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये जो ग्रुप 18 है, ये जो ग्रुप 18 है ये कौन से तीनों ग्रुप में से है, ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि राष्ट्रपति अपने सामान्य कार्यकाल से पहले ही पानी त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित कर सकते हैं त्याग पत्र के लिए। तो यहाँ सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ वो अपने उपराष्ट्र जो हमारे जो भारतीय उपराष्ट्रपति हैं उनको त्याग पत्र ये सौंप सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जब भी उनके कार्यकाल से, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और ये 5 साल से पहले चाहते हैं, या फिर ऐसा हुआ कि इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसमें कि ये चाहते हैं कि मैं अब यहाँ पे जॉब को रिलीव करूँ यानी कि छोड़ना चाहें, तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। जी हाँ उत्तर सही कर लेंगे यहाँ पे, जी हाँ आर्टिकल 166(2) के तहत, जी हाँ ये जो है कार्यात्मक प्रणाली की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, जी हाँ देखिए स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें 1947 में, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो जब हम आजाद हुए हैं दोस्तों 1947 के बाद, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जी हाँ नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इट्स अ ए 148 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। आंसर यहाँ पे
ए कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? फटाफट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे आप लोग। देखिए मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ दूंगा कि 368 जो अनुच्छेद है उनमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और इसमें संशोधन के तीन विधियां हैं जिसको अपनाई गई हैं, जैसे संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन करना। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं, इट्स ए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 415 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा के रूप में असंविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल, देखिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स बी इज द राइट आंसर, यानी कि हिंदी को। जी हाँ, क्योंकि हिंदी जो है भारत की राजभाषा के रूप में कब अपनाई गई थी? तो 14 सितंबर सन 1949 को। जी हाँ, ये आप नोट कर सकते हैं डेट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, और इसके बाद संविधान की राज्यसभा के संबंध में जो धारा 343 लाई गई, ठीक है, उससे लेकर 352 तक, ये धारा के बीच में है ना, 343 से 352 के मध्य में जो व्यवस्था की गई वो धारा 343 एक के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी, इसको लिपि भी किया गया। ठीक है, ये तो भाषा है ही, लेकिन इसके साथ साथ लिपि जो है यहाँ पे देवनागरी को शामिल किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य? बिल्कुल, यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों। देखिए भारत जो है, संविधान जो है हमारा कहता है कि हम भारत एक धर्म और पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, ऐसे राज्य जो सभी धर्मों के प्रति अपनी तटस्थता, यानी कि भारत के प्रति तटस्थता का भाव रखते हो, निष्पक्ष रखते हो। संविधान में भारतीय राज्य का कोई भी धर्म घोषित नहीं किया गया है कि हम हिंदू रहेंगे, हम मुस्लिम रहेंगे, हम सिख रहेंगे या पर्शियन रहेंगे, इसमें कोई यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया ऐसा। ठीक है, और ना ही किसी खास धर्म को यहाँ पे समर्थन भी किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? इट्स अ डी, यानी कि किसी धर्म को समर्थन नहीं करता हमारा संविधान, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का अवधा है इसे। भारतीय संविधान के द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स अ डी, धर्म प्रसार की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है दोस्तों? बिल्कुल, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, ये हमारे भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य प्राप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? बिल्कुल, जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल दोस्तों आंसर करेंगे, इट्स अ सी, जी हाँ, आर्टिकल 350 क, जो कि हमें बताएगा कि जो भी हमारा मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य के प्रति सुविधा प्रदान करने का ये प्रयत्न भी रखा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे आंसर आप कर सकते हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है, तो याद रखेंगे, इट्स अ ए, कार्य का अधिकार। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है संसद के दोनों सदनों के बैठक का जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यह किस संशोधन में इसको लाया गया? 51A जो है वो किस संशोधन में लाया गया है? तो आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति बैठी हुई थी एक, मतलब स्वर्ण सिंह समिति जो है, ये इसके बारे में आप लोगों को बताया था मैंने, है ना। इसमें अनुशंसा की गई कि संविधान के जो 42वां संशोधन है ना, उसमें 1976 में ये संशोधन किया गया। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इस सारे के डेट, है ना, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। और यह जो है हमें कहाँ से मिला है, कौन से देश से मिला है, तो ये रशिया से हमें ये जो है मिल पाया है, मौलिक अधिकार का कर्तव्य ये जो है ये रशिया से हम लोग जुड़े हैं। इसमें भाग जो है चार का जो ए है, यानी कि क कहते हैं इसको, 4A जो भाग हमारा है उसमें दोस्तों 51 क का वर्णन किया गया है आर्टिकल। जी हाँ, 51 क का ये वर्णन किया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। देखिए, भारतीय राजनीति में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, क्या प्रचलित है, तो 1967 का ये हरियाणा के एक विधायक ज्ञान लाल के एक दिन के 3 बार पार्टी बदलना। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे दल बदल का जो मतलब है, ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। हरियाणा के एक मंत्री थे, यहाँ उनका नाम क्या था दोस्तों, तो ये लिख लीजिएगा, गयालाल, है ना, गयालाल, गयालाल। तो ये जो थे एक दिन में 3 बार दल बदले थे, जिनके चलते ये प्रख्यात हो गए थे। अतः दल बदल विरोध कानून लाया गया। जी हाँ, दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। याद रखेंगे दोस्तों, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कब जोड़ा गया था, तो 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, और इसे 52वें संशोधन के प्रति 1985 में पारित किया गया। 1985 में कौन सा, तो 52वां, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें 167 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री, है ना, यानी कि CM, गवर्नर और जो भी मंत्रिमंडल है उनका, है ना, जो भी मंत्रिमंडल है उनका, उनके राज्य परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। और जो मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है वो क्या करता है, तो राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में वह सरकार का एक मुखिया होता है। तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा है, तो 167 के तहत इसको वर्णन किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई गई या समाप्त की जा सकती है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा 169 इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, आर्टिकल 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन अधिकार है। जी हाँ, क्या है यहाँ पे, राज्य परिषदों को क्या है, तो इसको बनाना और इसको विघटन करना भी इसका अधिकार है। परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का जो विधानसभा में विशेष बहुमत होता है, जो कितना होता है दोस्तों, तो 2/3 बहुमत पारित होना अनिवार्य होता है। समझ गए, तो ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुना करें। दिया, परंतु इसमें क्या है, तो जो भी विधेयक है वो संविधान सभा में विशेष बहुमत है और 2/3 जो है ये पारित होना अनिवार्य है। विधानसभा के सुझावों पर विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26, पुलकेसिन किस राज्य के वंश थे? चलिए, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में ये भी। पुलकेसिन और हर्षवर्धन दोनों ही एक दूसरे के समकालीन थे, पहले तो जान लीजिए। दोनों ही अलग अलग राजा थे, महान सम्राट थे, दोनों योद्धा थे और न्यायप्रिय, उदारशील और प्रज्वत्सल शासक भी रह चुके हैं। दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों को ही बराबर माना जाता है, लेकिन जहां हर्षवर्धन उत्तर भारत के एक छत्र राज्य थे, वहीं पे ये पश्चिमोत्तर के दक्षिण भारत के गुर्जर सम्राट पुलकेसिन थे।
तो ये जो दोस्तों थे जी नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा चालुक्य वंश के थे पुलकेशिन, जो कि दक्षिण पश्चिम के महान राजाओं में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 27, कांचीपुरम कहाँ अवस्थित है? देखिए बहुत ही फेमस है ये, तमिलनाडु का क्षेत्र कांचीपुरम स्थित है ये, और पवित्र शहरों में से एक माना जाता है हिंदुओं की। यह पवित्र तीर्थ स्थल, हजारों मंदिरों का यह शहर जी हाँ, जो कि बहुत ही चर्चित भी है। कांचीपुरम जो है दोस्तों, आपको बता दें कि इसके आसपास करीब 126 ऐसे मंदिर हैं, यानी 126 शानदार मंदिर देखे जा सकते हैं, और यह शहर चेन्नई से करीब 45 मील दक्षिण पश्चिम की तरफ जी हाँ, वेगवती नदी के किनारे बसा है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, वेगवती, वेगवती जो है नदी है ना, वेगवती नदी है, उसके किनारे ये शहर बसा हुआ है कांचीपुरम, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है फिर से, तो आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, तमिलनाडु। चलिए राजधानी चेन्नई से ये कुछ दक्षिण की तरफ फैला हुआ, दक्षिण पश्चिम की तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो कनिष्क के दरबार का चिकित्सक था चरक, यह दोस्तों नोट कर सकते हैं, चरक संहिता नोट कर सकते हैं, याद होगा आपको, मैंने बताया भी है इसके बारे में। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 29, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं। वैसे तो मंदिरों में राष्ट्रकूट का वंश जो है बहुत ही फेमस रहा है, और एलोरा जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रख्यात, जिनमें कि कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित होकर राष्ट्रकूट वंशों ने शासन के दौरान बनवाया था इसको, नोट कर सकते हैं। एलोरा की गुफाएं जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध रही, और ये मंदिर मंडप मूर्तियों के द्वारा ये पूजन हुआ करता था इनके काल में, ठीक है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, गुप्त काल की एक सुंदर कृति के मूर्ति किस जिले में प्राप्त की गई? तो कार्तिकेय की मूर्ति हमें मिली पाई थी दोस्तों जी हाँ, गुप्त काल के शासन में, आंसर कीजिएगा शाहबाद क्षेत्र में। शाहबाद क्षेत्र अब बहुत ही जिलों में बढ़ चुका है दोस्तों, ठीक है ध्यान रखिएगा, जिसमें कि आपका बक्सर जी हाँ, पहले तो ये बटा था, तो ये दो दो से चार जिलों में था, भोजपुर, भोजपुर भी है इसमें एक, ठीक है भोजपुर याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों रोहतास, ठीक है, और कैमूर, ये जो है आपके शाहबाद जिलों का ये जो कि संग्रह था, एक ही जिले थे हुआ करते थे शाहबाद जिला, तो वहां पे ये पाया गया कार्तिकेय, ठीक है कार्तिकेय की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 31, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, किस गुलाम का था वो? तो ये देखिए आंसर कीजिएगा, इल्तुतमिश जो था, ये गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये हुई थी जी हाँ कब, तो 1210 में, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर जाके बैठा भी था ये, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन गुलाम जो है ये राजवंश का संस्थापक था, लेकिन वो किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मयूर तख्त यानी कि तख्ते ताऊस का किस नाम से संबंध है? तो आपको बता दें तख्ते ताऊस जो कि एक फारसी वर्ड है दोस्तों, और वो मशहूर सिंहासन है जिसे कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, याद रखिएगा, और उसके बारे में बहुत ही ज्यादा पौराणिक कथाएं भी हैं। इसका नाम मयूर सिंहासन क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पीछे हिस्से, दो निचले जो पार्ट होते थे वो मोर दिखाई देते थे, और नदिर शाह ने 1739 में आक्रमण के बाद इसे जी हाँ अपने साथ लेकर गया था, नदिर शाह, ठीक है याद रखेंगे। आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, बी कर लेंगे दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 33 की तरफ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे, दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध अंत कहाँ से संधि हुआ? जल्दी से आंसर करेंगे, दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध का अंत कहाँ से, कहाँ की संधि से हुआ है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये हुआ है, इट्स अ बी मैसूर से, जी हाँ दोस्तों नोट कर सकते हैं, मार्च 1784, जी हाँ इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मार्च 1784 टीपू सुल्तान, जो कि नाम बहुत फेमस है,
अंग्रेजों के साथ मैंगलोर में एक संधि किया और द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का ये अंत हो गया। यह नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष में हुआ है, जल्दी से आंसर करेंगे। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, सन 1930 में। दांडी मार्च, नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा। सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज की सरकार ने नमक के ऊपर टैक्स लगाने शुरू किए, जिसके चलते इसके विरोध में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया, महात्मा गांधी जिसके संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ की गई थी, जल्दी से आंसर करेंगे, 2 से 3 सेकंड का समय है आपके पास। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नोट कर सकते हैं, सन 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता पाने वाले, भारतीय होने वाले, गौरव प्राप्त करने वाले, ये 1878 से 1879 में लॉर्ड रिपन के वैधानिक सिविल सेवा यानी कि सैचुरेटरी सिविल सर्विसेज की योजना का प्रस्तुत भी किया इन्होंने। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा देंगे, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को राजा भारत से हटा देंगे, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, टीपू सुल्तान। जी हाँ, 1784 का ये संधि, उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर बिहार के कर्नाटक शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था, जल्दी से आंसर करेंगे। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था, कर्नाट शासक है ये, याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए, मोहम्मद बिन तुगलक, ए इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए दोस्तों यहाँ पे सुमेलन करना है और इसको सुमेलित करिए जल्दी से, 2 से 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है यहाँ पे आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, सी आर दास कौन सी सत्याग्रह से संबंधित हैं, वल्लभ भाई पटेल किससे थे और अब्दुल गफर खान ये किससे संबंधित हैं और मौलाना अब्दुल के आज़ाद, ठीक है, ये किससे संबंधित हैं, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 इनके जो हैं सत्याग्रह या फिर इनके काम को लेकर ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आंसर आपको करना है, बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, सी आर दास जो है यहाँ पे स्वराज कर्मी, नोट कर सकते हैं, बी यानी कि वल्लभ भाई पटेल जो है वर्दोली सत्याग्रह, और अब्दुल गफर खान जो है दोस्तों नोट कर लेंगे, खुदाई खिदमगार और मौलाना अब्दुल कलाम खिलाफत आंदोलन, तो ये सारे अपडेट है दोस्तों, यहाँ से आंसर ए हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल में स्थायी बंदोबस्ती कौन से वर्ष में आरंभ किया गया, बिल्कुल दोस्तों याद रखेंगे, स्थायी बंदोबस्त अथवा इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा गया है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच ये कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था थी, जिसको सहमति से समझौता भी किया गया, और बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में इसको लागू किया गया था, याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 1758 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों के विरोध किसने आरंभ किया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1757 का जो युद्ध था, एक विरोध था, वो था दोस्तों यह, इट्स अ डी, राजा राम रनायन, पहलवान सिंह और कामगर खां और सुंदर सिंह, इन सब ने किया था दोस्तों, आंसर यहां पे डी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्यों घूमती है, तो याद रखिए क्यों घूमती है ये बता दीजिए, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अस्तित्व में आने से लेकर अभी तक वह लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसके घूमने से ही रोज सूर्योदय और सूर्यास्त देख पाते हैं
और जब सूर्य एक लाल दैत्य परिवर्तित हो रहता है, यानी कि जब एकदम लाल दिखाई देता है तो पृथ्वी को निगल नहीं जाता, तब ऐसा ही इसको कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, तो ऐसा ये प्रतीत होता है। तो ये घूमने के कारण क्या होता है इसका, तो पश्चिम से पूरब की ओर ये यह घूमती है, जिसके चलते यहाँ पे सूर्योदय पूरब से और सूर्यास्त पश्चिम से देख पाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, भूमंडलीय हवाएं कौन सी हैं? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो कभी दिशा नहीं बदलती। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, जो कभी दिशा नहीं बदलती वैसे हम लोग कहते हैं उसको भूमंडलीय हवाएं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43, बिहार का विस्तार है, ये लिखिए, बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में रहते हैं क्वेश्चन में, तो इसका ध्यान रखा करें आप लोग, है ना। और बिहार स्पेशल के लिए आपको एक अलग से एक मॉक टेस्ट भी दे दूंगा मैं अपने इस क्यू सेक्शन में। तो देखिए, बिहार जो है भारत का उत्तर भाग में स्थित है, कहाँ पे, उत्तर भाग में, और ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है, और इसकी राजधानी पटना है, और बिहार के उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका भौगोलिक मैंने स्थिति बताया, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि इसका विस्तार जो है, जी हाँ, 24 डिग्री 20 देशांतर 10 मिनट 10 इंच और से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री मिनट 19 मिनट से लेकर 50 से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 पूर्वी देशांतर के मध्य है। आंसर यहाँ पे बी नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी का घूर्णन ऊंची गति उच्चतम है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ डी, भूमध्य रेखा के साथ, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, सेवन हिल्स नाम उस शहर को दिया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा, रोम जिसका शहर, रोम जो है वो इटली का शहर है, और इंटरनल सिटी द सिटी ऑफ सेवन हिल्स ये कहा गया है। सेवन हिल्स यानी कि सात पहाड़ियों का शहर, याद रखेंगे दोस्तों सेवन हिल्स, और ये जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षित है केंद्र है ये, आंसर सी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, टाइबर नदी, नोट कर सकते हैं, बहुत ही फेमस है ये, यह टाइबर नदी जिसके किनारे रोम जो शहर है वो स्थित है। रोम इटली की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47, निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ डी, जोहान्सबर्ग, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, जोहान्सबर्ग, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जी हाँ, हीरे और सोने की खानों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। इसके क्षेत्रफल बड़ा होने के साथ साथ यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है, और अफ्रीका के इस सबसे विकसित शहर को नज़दीक से जानने के लिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक भी जाते हैं। इसकी स्थापना 1886 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, कावेरी जल विवाद। बिल्कुल याद रखेंगे, कावेरी नदी जो है उसके जल को बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में एक गंभीर विवाद चलता रहा है। इस विवाद से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मैसूर राज्य के बीच और 1892 से चल रहा है। ठीक है, और ये दो समझौते भी हुए थे इसमें, जो कि कावेरी नदी के पानी को बंटवारा को लेकर हुआ था तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य के मध्य में, आंसर यहाँ पे सी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम किसे दिया गया है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, बेंगलुरु जो है मैसूर पठार है, और इस क्षेत्र को कभी यहाँ पे हम लोग सिलिकॉन पठार के भी नाम से भी जानते हैं, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। जो बेंगलुरु है दोस्तों कर्नाटका का राजधानी भी है, और कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन होते हैं ये ध्यान में रखिएगा, जी हाँ, V.S. येदुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए, भारत के राज्यों के बारे में पूछा गया है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार जो है वो कितने देश को
अपना बॉर्डर साझा करता है। तो याद रखिएगा सिर्फ नेपाल को साझा करता है, और बिहार का सीमा जो है भारत के राज्यों के साथ कितनी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ ए 3, ठीक है। और क्षेत्रफल में यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें यहाँ पे दोस्तों, तो सांस्कृतिक रूप से बिहार के जो क्षेत्रण है आंगिक मगध और मिथिला और भोजपुर ये सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ के। 15 नवंबर सन 2000 दक्षिणी बिहार में दक्षिणी हिस्सा जो है इसका ये झारखंड राज्य और बिहार के खाली भर 11.3% जनसंख्या वाला क्षेत्र है जो कि घिरा हुआ है। याद रखिएगा वैसे तीन राज्य के बारे में सबसे फेमस जो है एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा झारखंड है जी हाँ, और तीसरा जी हाँ वेस्ट बंगाल भी है, और चौथा मध्य प्रदेश भी है जी हाँ दोस्तों, जो कि कुछ क्षेत्र हमारे जुड़े हुए हैं। झारखंड बंटवारा होने के बाद ये चार हुए हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन 3 है क्योंकि यहाँ पे उस समय भारत और बिहार का जो बंटवारा हुआ था झारखंड से नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये तीन राज्य हैं जहाँ पे साझा करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों इट्स अ डी शिव सुंदरम में, नोट कर सकते हैं। डीजल से पहली बार बिजली का उत्पादन दिल्ली में सन 1905 में हुआ है जहाँ पे, इससे मैसूर में 1902 में जल विद्युत उत्पादन केंद्र भी बनाया गया था जी हाँ, 1902 में इसे जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया था शिव सुंदरम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों इट्स ए महाराष्ट्र में जी हाँ, और काली मिट्टी भी सबसे ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है, कपास की खेती ज्यादा होती है यहाँ पे। और अच्छा क्वेश्चन नंबर 53, पारादीप अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? चूंकि देखिए यहाँ पे आज टॉप 70 क्वेश्चन है, तो देखते हैं आप लोग कितने उत्तर सही कर पाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी, नोट कर सकते हैं सी यानी कि उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 54, दोस्तों बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो आंसर कीजिएगा डी गया जी हाँ, गया जो है गंगा नदी किनारे नहीं है, बाकी पटना भागलपुर मुंगेर जो है ये सारे गंगा के किनारे के तट के क्षेत्र हैं, ठीक है। गंगा नदी के किनारे कौन सी नदी है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि बहुत ही फेमस नदी है वो जी हाँ। उस नदी को सीता जी का श्राप भी है जी हाँ, कभी भी पानी उसमें ओवरफ्लो होकर नहीं बहता है बरसात के दिनों के अलावा बाकी दिनों में, लेकिन उस नदी के नीचे नीचे सतहों में पानी का स्रोत बहुत तेजी से रहता है। अब इतना बता दिया, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उनका नाम। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे ऐतिहासिक और पौराणिक अगर हम बात करें कथाओं की, तो यहाँ पे युक्त ककोलत एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है जो कि किसके निकट बसा हुआ है, इसके एक झरना है बहुत ही फेमस है, बिहार का है ये। आंसर कीजिएगा नवादा जिले में है, ठीक है नोट कर सकते हैं दोस्तों, 33 किलोमीटर की दूरी पर है यह पटना से, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। और ऊंचाई कम से कम इसका 46 मीटर का है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह कौन एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है? बिल्कुल याद रखेंगे इट्स ए बी तेजस है, जो कि यहाँ पे बहुत ही हल्का और लड़ाकू विमान इसको नाम दिया गया है जी हाँ दोस्तों। यह कई तरह के भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है, यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया एक सीट वाला एक जेट इंजन वाला ये उड़ान भरने वाला ये जी हाँ क्या है लड़ाकू विमान है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नए उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस के जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, आंसर कीजिएगा इट्स बी, इसे हम लोग माइनिंग कहते हैं जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी संदर्भ में नए उपयोगी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमें पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग यह माइनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ सी माइकल बेवन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, याद रखेंगे, ये एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा विकल्प ओबामा केयर के सबसे उचित रूप से परिभाषित करता है? ओबामा केयर को सबसे उचित रूप से परिभाषित करता है, आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी किफायती स्वास्थ्य सेवा, इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूथ सेट क्या है? बिल्कुल यूथ सेट जो है दोस्तों, इट्स अ बी एक उपग्रह है, नोट कर सकते हैं, और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जरूर कर रहे होंगे, मुझे आशा है, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ये आप लाइक और शेयर करके हमें जरूर बताएंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, आरपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, और जीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स अ गुजरात। जी हाँ दोस्तों, रण उत्सव गुजरात राज्य के कच्छ में मनाया जाने वाला है, और ये हर साल मनाया जाता है, क्योंकि कच्छ में आए हुए रण और अपने श्वेत रंग के लिए जाना जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स ए नई दिल्ली, इज द राइट आंसर, नई दिल्ली इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स बी 28 जनवरी सन 1950 को, नोट कर सकते हैं दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, 28 जनवरी 1950 को आया था ये, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ डी नील्स हेनरिक डेविड बोर, नोट कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। जी हाँ दोस्तों, कौन सा आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो नील्स हेनरिक, बाकी थॉमस रॉबर्ट मार्क डेविड रिकॉर्डर और जॉन मेनार्ड केन्स, ये सारे के सारे एक आर्थिक शास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहते हैं? तो इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन मिले, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन मिले, पॉलिटी से भी क्वेश्चन मिले, इन सभी टॉपिक से लगातार, इनफैक्ट इन्वायरमेंटल से भी जो सेक्शन है हमारा वहाँ से भी क्वेश्चन मिले। करेंट का क्वेश्चन के लिए आप लोग सुबह में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं 4 बजे की क्लास में, या वो डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन का करेंट अफेयर आपको दिया जाता है, वो वीडियो जरूर देखा करें आप लोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इट्स ए अवसाद उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, साहित्य एकेडमी मुख्य रूप से प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है? आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 67, कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है, चलिए बताइएगा कौन से राज्य का है ये कूद नृत्य? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी जी हाँ, जम्मू कश्मीर का है ये, नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बहुत ही फेमस और बहुत बार पूछा गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, बिहू कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, असम का है, ठीक है, ये बहुत बार मतलब 10 वर्षों में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 68, एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन कौन है? बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, में से कोई नहीं है वो, ठीक है, ना ही रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स है, ना ही डेक्कन उड़ीसा है, ना ही डेजर्ट सर्किट है, तो ये अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन में से नहीं है ये, ठीक है। और भारत में अगर बात करें तो 5 सुपर लग्जरी ट्रेनें हैं जिनकी सुविधाएं जो हैं दी गई हैं यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा, जी हाँ नोट कर सकते हैं, और ये 1982 से 5 लग्जरी ट्रेनें जो हैं चलाई जा रही हैं, और रिपब्लिक डे के अवसर पे इसको शुरुआत किया गया था, ठीक है। और एक है दोस्तों, आपको बता दें कि लग्जरी ट्रेन इन इंडिया, जो कि इंडिया टीवी पैसा जो है, और उसके अलावा
इसका नाम मैं बता दूँ, थोड़ा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है लिख लीजिएगा महाराजा एक्सप्रेस, ये सुपर लग्जरी है, इसको इसके बारे में सर्च कीजिएगा कभी आप लोग, है ना, महाराजा एक्सप्रेस जो है, और इसमें यात्री जो है 3 रातों के लिए सफ़र कर सकते हैं, और इसका जो किराया है वो 2.5 लाख से लेकर 8 लाख तक रुपए तक भी हो सकता है, 7 रातों किराया 4.5 से 16 लाख रुपए तक का हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, इंडियन भ्रमण के लिए यानी भारत की भ्रमण के लिए ये ट्रेन चलाई गई है, महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है, सुपर लग्जरी है ये, लेकिन अर्ध लग्जरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, चलिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने, सकल घरेलू जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान किसका कुल मूल्य है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं का ये कुल मूल्य होता है, जीडीपी इसको कहते हैं, जहाँ एक ही देश के अंदर जो पूरा सभी जो तैयार प्रोडक्शन है उसको तैयार करना और उसी देश में इसको सेवा भी देना, ठीक है, जीडीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, इट्स अ बी, श्रीलंका में, नोट कर सकते हैं दोस्तों कहाँ पे स्थित है दांत का मंदिर, तो श्रीलंका में, जो कि बौद्ध तीर्थ स्थान के लिए सबसे फेमस है दोस्तों। तो आज के सिनारियों में हमने देखे 70 प्रश्न, और इन 70 प्रश्नों में आपने कितने उत्तर सही किए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके और शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में, चाहे वो आपके जहाँ फेसबुक ग्रुप के एजुकेशन सेक्टर्स में हो या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हो, ये वीडियो जरूर शेयर करें, जी हाँ दोस्तों, और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए एक लाइक करके ज़रूर जाएँ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।